हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अभिषेक। गाइस, आज जो टॉपिक है, मैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी वॉर वाली कंडीशन हो रखी है उसमें क्या अपना क्रिटिकल सिचुएशन है, कितना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक वाली सिचुएशन है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या हम लोगों को रियली इतना ज़्यादा पैनिक होना चाहिए? इंडिया में बैठे जो लोग पेरेंट्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं जो ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, सो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं वो सब कुछ यहाँ पे सही नहीं है। सो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि सब कुछ बंद हो गया है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सब कुछ मैनेज करने में। सो मैं आपसे सीधे यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल अभी भी है। आज जैसा कि 16 फरवरी है और बहुत लोगों को लगा था ऐसा, बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आज कुछ वॉर वाली कंडीशन होने वाली है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात यहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ों की, जैसे कि जो सुपर मार्केट्स हो गए, जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हर एक चीज़ नॉर्मल तरीके से यहाँ पे चल रही है, हर एक चीज़ खुली हुई है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बंद कर दिया गया है या फिर सुपर मार्केट्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अभी आप जो कुछ क्लिप्स देखोगे आप, उसमें सब कुछ नॉर्मल है। ये कोई पुरानी क्लिप नहीं है, मैं अभी आज की ये क्लिप डाल रहा हूँ। सो जिससे कि जो भी लोग इंडिया में बैठे हैं, पैनिक हो रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पर सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, उनके लिए ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। आप इवन मैं अभी हॉस्पिटल में भी जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि पेशेंट्स वगैरह यहाँ पे भी नॉर्मली आ रहे हैं लोग। यहाँ पे मेरे कुछ हॉस्टल के भी फ्रेंड्स हैं और जो हॉस्टल के बाहर फ्लैट में रहते हैं वो भी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी पूछ लेता हूँ मैं, देखो वो लोग क्या बताते हैं। सो यार पुनीत, बताओ कि हॉस्टल में क्या सिचुएशन है? यार हॉस्टल में एकदम नॉर्मल है, पहले जैसे ये तरह कोई पैनिक वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मतलब सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, हम जा सकते हैं सामान आराम से, एकदम जैसा पहले था और अभी है, मतलब कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। सो ऐसा मतलब यार, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मतलब पैनिक वाली सिचुएशन है, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है सुपर मार्केट्स में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो काफ़ी सेफ हैं, मतलब सेफ है ऑब्वियसली। इवन ये राजीव है, ये हॉस्टल से बाहर अपार्टमेंट में रहते हैं, और इससे पूछ लेता हूँ जैसे कि जिससे आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। तो राजीव यार, आप बताओ भाई कि क्या है, मतलब माहौल कैसा है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। वैसे बाहर जब निकलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जिम जाता हूँ, तो उस ड्यूरेशन में मुझे कोई अनयूजुअल सा कुछ दिखाने की, ज़्यादा मिलिट्री या ज़्यादा पुलिस घूमते हुए ऐसा कुछ सीन नहीं है, सब कुछ एज यूजुअल ही है। एंड लाइक एवरीबॉडी इज़ गोइंग ऑन विद देयर लाइफ एज यूजुअल, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग। लाइक इवन व्हेन आई वाज कमिंग दिस मॉर्निंग, आई वाज थिंकिंग कि लाइक जो डेट आई थी, लाइक 16 फरवरी को इन्वेजन हो गया ना, एंड सबको देख, कुछ किसी को भी देख कुछ लगे। इवन हमारी आज क्लास भी है, अभी हमें मॉर्निंग में, इवन आप देख लो यहाँ पे हॉस्पिटल में क्लासेस भी कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑफलाइन चल रही है। सो मैं आप पेरेंट्स को, जो इंडिया में रिलेटिव हैं पेरेंट्स, जो लोग पैनिक हो रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे परेशान होने वाली बात ही नहीं, सिचुएशन अभी जो फ़िलहाल है बिल्कुल नॉर्मल है, आगे का मालूम नहीं क्या हो सकता है। सो पैनिक ना हो, और कोई भी ऐसा अपडेट होगा या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे कि हम लोग, मतलब जो हमारे काम की होगी, तो वो हमें यूनिवर्सिटी या फिर हमारी जो एम्बेसी, उनसे अपडेट मिल जाएगा। जो एम्बेसी है उसने एडवाइजरी भी जारी की, जिसने बता रखा है कि जो नेबरिंग स्टेट्स है, रशिया के आसपास के जो स्टेट्स हैं, उनको चाहो तो वहाँ से स्टूडेंट्स टिकट्स खरीद के और वो वापस इंडिया जा सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए फ़्लाइट्स बंद है यहाँ पे यूक्रेन में। सो मे बी फ़्लाइट जो है वो 19 फरवरी से रिज्यूम हो जाएंगी, जो प्राइवेट फ़्लाइट्स हैं। सो जो लोग चाहते हैं वो जा सकते हैं, बट अभी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऑनलाइन चल रही हैं, कुछ जो क्लासेस वो ऑफलाइन चल रही हैं, और बहुत से लोग ऐसा स्पेकुलेशन लगाते हैं कि ये वॉर की वजह से ऐसा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस सिटीज़ में कोविड के केसेस ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया था और कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था, मतलब 10-15 दिनों के लिए। फिलहाल जो हम लोग यूनिवर्सिटी है IFNMA, वो ऑफलाइन चल रही है, और ऐसा ही माना जाता है कि जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न पार्ट से ज़्यादा सेफ माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इवानो हो गया, लिवीव हो गया, उज़्होरोड हो गया, चेरनोवत्सी हो गया, ये सारी जो जगह हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। और यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पे दनिप्रो हो गया, खार्किव हो गया, ओडेसा हो गया, वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ जो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ी सी पेट्रोलिंग बढ़ गई पुलिस वालों की। सो ये एक आम सा नॉर्मल सा ड्रिल टाइप का है, और जो चीज़ें न्यूज़ में दिखाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा हाइप करके, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट इन केस कि अगर फ्यूचर में या कुछ दिनों में अगर सिचुएशन ख़राब होती है या फिर क्रिटिकल होती है,
तो हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे, जो भी अपडेट आएगा उसको फॉलो करेंगे हम लोग। बट हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी सिचुएशन खराब होती है या फिर कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन आगे आती है फ्यूचर में, तो हम लोग सेफली यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए ज़रूर सोचें। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो फिर लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।